हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ जय गिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स विथ जय गिया में। दोस्तों, मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं स्टैंडर्ड 10th का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ सम्स। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं सम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों जो हमें दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, हमें अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन रेशियो आर अपॉन आर डैश इज फिल इन द ब्लैंक। इस क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों आप ये वाला फिगर समझिए। सपोज कीजिए आपके पास ये वायर है। अच्छा, ये जो वायर है उसका लेंथ कंसीडर कीजिए, आपके पास L है। तो बच्चों, जैसे कि अपन सब लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इनवर्स ऑफ एरिया पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है, हमें वायर के 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। से यहाँ पर हमने 5 इक्वल पार्ट कर लिए, तो जो L डैश है वो इनिशियल वैल्यू से 1/5 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कि लेंथ की वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू थी उसके 1/5 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला R इज प्रोपोर्शनल टू L। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो नया रेजिस्टेंस R डैश है वो भी प्रोपोर्शनल टू L डैश होगा? दैट मीन्स R डैश बाय R इज इक्वल टू L डैश बाय L। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास L अपॉन 5 डिवाइडेड बाय L। R डैश बाय R ये हो जाएगा आपके पास LL कैंसल 1/5। तो R डैश इज इक्वल टू R बाय 5। बच्चों रुकिए, ये आपका आंसर नहीं है। ये तो मुझे सिर्फ एक पार्ट का मिला, ये तो मुझे सिर्फ एक पार्ट का मिला। इसका ये मतलब हुआ कि जो R1 डैश, R2 डैश, R3 डैश, R4 डैश, R5 डैश सभी का वैल्यू इनिशियल वैल्यू के R/5 हो जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन में बताया गया है कि इन सभी को हमें पैरेलली कनेक्ट करना है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए, पैरेलल कनेक्शन के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/RP, 1/R1, 1/R2 डैश, 1/R3 डैश, 1/R4 डैश, 1/R5 डैश। सब की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। 1/R/5, 1/R/5, 1/R/5 और 1/R/5 टोटल। अच्छा, ये देखो जो 5 है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये जाएगा बच्चों न्यूमरेटर में। अगर अपन इसको न्यूमरेटर में भेजते हैं तो ये हो जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R 5/R प्लस 5/R। अच्छा, तो क्या मैं इसको R को LCM लेके 5 + 5 + 5 + 5 + 5 यानी कि 1/RP 25/R, दैट मीन्स आर पी मतलब उल्टा कर दिया, तो ये हो जाएगा R/25। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे R/R' चाहिए,
आर अपॉन आर डैश का मतलब पहले बिना कट किए उसका जो रेजिस्टेंस था, और जब पैरेलल में कनेक्ट करके फाइनल रिजल्ट मिला उसका, तो ये रेशियो हो जाएगा बच्चों अकॉर्डिंग टू अस आर डिवाइडेड बाय आर पी। रेजिस्टेंस आर एज इट इज रहेगा, आर पी की वैल्यू आर अपॉन 25। चूंकि 25 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चले जाएंगे और ये आर नीचे आर कैंसल हो जाएंगे, सो हमारा आंसर होगा ट्वेंटी फाइव, ऑप्शन डी। तो इस तरह से बच्चों हम सॉल्व कर सकते हैं।